शांति आठ सितंबर। बड़ी ईश्वरीय नशा चढ़ाने वाली मुरली बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो क्या हमें ये ज्ञान की बातें पहले पता थी ज्ञान का चिंतन करके तुम बहुत खुशी में रहो इस संसार में कोई नहीं जानता भगवान कौन है वो कब आते हैं क्या करते हैं बाबा कह रहे हैं मैंने तुम्हें अपना पूरा ज्ञान दिया है मैं हर पांच हजार वर्ष के बाद आता हूँ उन्होंने तो लाखों वर्ष कह दिया कुछ समझ में ही नहीं आएगा उसके बाद कल्प कह दिया लेकिन कल्प पांच हजार साल का है ये उन्हें पता नहीं है मैं कल्प के अंत में आता हूं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूं तुम मुझसे योग लगाते हो तुम्हें शक्तियां मिलती हैं कहा जाता है ना रिलीजन इज माइट कौन से रिलीजन में माइट है तो किसी ने उत्तर दिया ब्राह्मण रिलीजन में तो बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक बात है तुम अब बाप से योग लगाकर कर सर्व शक्तिवान से योग लगाकर शक्तियां लेते हो तुम में ही बहुत ताकत आ जाती है तुम मिलिट्री हो तुम सारी सृष्टि को शांत कर देते हो बहुत सुंदर शब्द हैं तुम सारी सृष्टि में देवी स्वराज्य स्थापित कर देते हो तुम बाप के मददगार बनते हो इसलिए तुम्हें प्राइज भी बहुत बड़ी मिलती है तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए और सर्वशक्तिवान से निरंतर ताकत लेते रहना चाहिए तुम्हें तो देवी गुण भी धारण करने हैं, अपने अंदर से अवगुण भी निकाल देने हैं उन्होंने तो दिखा दिया भागीरथ गंगा लाया तो क्या पानी लाया शिव की जटाओं से गंगा निकली तो भला जटाओं से पानी कैसे निकल सकता है ये बात ज्ञान की है मैं आता हूं इस रथ में बैठकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ ये ज्ञान ज्ञान गंगा है इसलिए इस रथ का भी बड़ा महत्व है ये बहुत भाग्यशाली रथ है लेकिन ये तुम्हें ज्ञान नहीं देता ज्ञान मैं देता हूँ ज्ञान का सागर मैं हूँ मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ तुम देवी देवता थे भारत बहुत महान था देवी देवताओं का यहाँ राज्य था मैंने तुम्हें देवता बनाया था विश्व की राजाई दी थी दो युग तक तुमने विश्व पर राज किया तुम्हारे राज को कोई छीन नहीं सकता था अब मैं आया हूं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूँ चिंतन करें बहुत अच्छी तरह मैं तुम्हारा बाप हूँ ये बात संसार के लोग भूल गए मैं निराकार हूँ परम धाम का वासी हूँ कोई कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है तो कोई कह देते हैं कच्छ मचा उतार लिया तो कोई कह देते हैं सब जगह तू ही तू है मुझे जानते ही नहीं मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया था श्री कृष्ण का नाम लिख दिया मैं श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके तुम्हें राज्योग सिखाता हूं बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं बाबा अब फिर से सिखा रहा हूं और इस राजयोग से तुम विश्व की बादशाही पा लेते हो इंग्लिश का शब्द भी बाबा को बहुत पसंद आ रहा है यानी गॉड जो फादर है उसने है भी नहीं स्थापित किया था तो अपने बच्चों को ही भेजेंगे ना वहाँ तो तुम जब मुझे बाप कहते हो पिता कहते हो तो ये वर्षा तुम्हें याद आता है मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर विश्व की बादशाही देने आया हूँ बाबा फिर पूछ रहे हैं बच्चे सोचो क्या तुम्हें कभी विश्व की बादशाही का ख्याल भी था क्या तुम्हें पता था कि भगवान आएगा और हमारे लिए विश्व की बादशाही स्थापित करेगा तुमने तो केवल इतना सोचा था कि भगवान आए हमें उसके दर्शन हो जाए मुलाकात हो जाए बस लेकिन मैंने आकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दिया है इस ज्ञान की रोशनी तुम्हारे अंदर आ गई है तुम मुझे जान गए हो और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की राज की स्थापना कर रहा हूँ और वो राज भी वो बात सही भी दो युग तक चलेगी तुम बहुत सुखी होंगे वहां बहुत धनवान होंगे तुम्हारा वो धर्म ही सबसे अधिक शक्तिशाली होगा बाबा बार बार याद दिला रहे हैं लोग तुमसे पूछते हैं क्या पढ़ते हो बड़े फकुर से नशे से उत्तर दो भगवान हमें पढ़ाने आया है और हम विश्व का राज प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं देखो कितनी ऊंची पढ़ाई है हम अपने तन मन धन से श्रीमत पर देवी स्वराज की स्थापना कर रहे हैं ये राजधानी स्थापित हो रही है श्रीमत तुम्हें केवल एक बार ही मिलती है वो केवल अब मिलती है माना भगवान की राय भगवान का ज्ञान पे चलकर हम इस संसार को स्वर्ग बना देते हैं तो बाबा बार बार हमें याद दिला रहे हैं बच्चे मैं आया हूं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं अब मैं निराकार हूं तो तुम तुम्हें ज्ञान देने के लिए तुम्हारे सम्मुख मुलाकात करने के लिए मुझे रथ तो चाहिए तो मैंने इस ब्रह्मा का रथ लिया है मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए नशा होना चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं नंबर वार जो बच्चे बाप को मदद करते हैं स्थापित करने में उन्हें नंबर वार प्राइज मिलती है और उनकी ही पूजा हो रही है मनुष्य कोई पता नहीं कि हम देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि देवी राज्य स्थापित करने में हमने भगवान की मदद की है वरदान बहुत ही गहरी बात है अभ्यास करेंगे यही अपनी शुभकामना और शुभ भावना के वाइब्रेशंस के द्वारा संसार में सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाने वाले बनो जैसे बाबा के संकल्प में बोल में शुभकामना शुभ भावना रहती है उनके वाइब्रेशंस फैलते हैं हमें भी ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर मास्टर ज्ञान सूर्य बनके अपनी शुभ भावना शुभकामना के द्वारा संसार में सुख शांति की लहर फैलानी है लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी स्थिति की जरूरत है सार्व बंधनों से मुक्त और स्वतंत्र बनो स्लोगन है मैं और मेरा यही देह अभिमान के दरवाजे हैं इन्हें बंद करो तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर आ रही हैं और ये चार ओर फैल कर सभी को सुख शांति प्रदान कर रही हैं। ये श्रेष्ठ ना रख दें सभी का जीवन सुख शांति से भरपूर हो ओम शांति टू watch पीस ऑफ माइंड चैनल videos ऑन YouTube. Subscribe us on youtube.com slash TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.